गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम शिल्पा वर्मा, टीचर फ्रॉम विमला देवी पब्लिक स्कूल. आई स्टडी क्लास 4 सब्जेक्ट EVS. इन अवर लास्ट क्लासेस वी डिस्कस चैप्टर 13 सीजन. सीजन मीन्स मौसम. ओके, इन अवर लास्ट क्लासेस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड सीजन एंड एनिमल्स, सीजन एंड द सन. टुडे वी टॉकिंग अबाउट हाउ मच रेन. ओके, लेट्स स्टार्ट. हाउ मच रेन, बारिश कितनी हुई. हाउ मच डिड इट रेन इन अ डे, हाउ डू यू मेजर इट. एक दिन में कितनी बारिश हुई, इसका मेजर आप कैसे करेंगे. लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. कीप अ बोर्ड, मेथड्स, क्लीन यूटेंसिल्स ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस व्हेन इट इज रेनिंग एज शोन इन द पिक्चर बिलो. इसके लिए क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे कि पिक्चर पे आपको शो हो रहा है, एक बोर्ड के ऊपर आप एक साफ जो है कोई बर्तन रख देंगे, ठीक है. और इस बर्तन को ले जाकर आपको कहाँ रखना है, आपके घर के छत पर, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है. व्हेन द रेन स्टॉप्स, मेजर द कलेक्टेड वाटर विद द प्लास्टिक स्केल. जब बारिश बंद हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का स्केल ले लेना है और स्केल को आपने जो यूटेंसिल्स रूप में रखा है उसे स्केल की हेल्प से मेज़र कर लेंगे. हाउ मच डिड द स्केल गो इनसाइड, राइट द इंस्ट्रूमेंट, सॉरी राइट इट्स मेजरमेंट. दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द रेन. कितना पानी, कितना स्केल जो है पानी के अंदर गया, इसका आप क्या कर लेंगे, माप ले लेंगे. और इस मेज़रमेंट, ये कौन सा होगा, ये हमारे एक दिन में जितनी भी बारिश हुई इसका मेज़रमेंट होगा. तो सपोज 2.5 इंच, जो स्केल कहाँ कितना अंदर गया है, सपोज ना 2.5 इंच. नॉट टेल हाउ मच डिड इट रेन दैट इन योर एरिया, तो हमारे एरिया में जो बारिश हुई कितनी हुई है, 2.5 इंच. लेट्स फाइंड आउट सम मोर अबाउट द सीजन. चलिए अब सीजन के बारे में, मौसम के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं. मेक इंस्ट्रूमेंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ विंड. अब हम इंस्ट्रूमेंट जो बनाएंगे वो क्या दिखाएगा हमें, हवा की जो दिशा है वो कौन सी है, कौन सी दिशा में जो हवा है वो फ्लो हो रही है. वॉट विल यू डू टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, डिस्कस विथ यूर फ्रेंड्स. लेट्स मेक अ इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. आप जो हवा है वो कौन सी दिशा में बह रही है, यह कैसे पता करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके बताइए कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि हवा का जो डायरेक्शन है, विंड का डायरेक्शन है कौन सा है. लेट्स मेक इंस्ट्रूमेंट, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिससे कि हम एयर का जो विंड का जो डायरेक्शन है वो पता कर सके. टेक अ ग्लास बॉटल विद द रबर लीड, इन द रबर लीड इंसर्ट द एम्प्टी रिफिल्स. क्या करना है, इसके लिए आपको एक ग्लास का बॉटल ले लेना है, जैसे कि पिक्चर में आपको शो हो रहा है, और इसके लीड पे, इसके ढक्कन पर जो खाली रिफिल होता है पेन का, उसे इंसर्ट कर देंगे. नाउ मेक एन एरो लाइक स्ट्रिप्स ऑफ थिक पेपर्स, और इसके बाद एक मोटे पेपर का एरो बना लेंगे. नाउ पिन इट अप द पार्ट ऑफ द रिफिल विच इज आउट ऑफ द रबर लीड. इसके बाद क्या करना है, आपके रिफिल पे एक पिन लगाकर, रिफिल के जो अपर पार्ट है उसमें एक पिन लगा लेंगे आलपिन का यूज़ करके, और हमने जो थिक पेपर से एरो बनाया उसे इस रबर इस रिफिल पे क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे. योर इंस्ट्रूमेंट इज़ रेडी, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनकर अब तैयार हो गया. नाउ कीप दिस एट एन ओपन प्लेस, इट इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द एयर. आपको क्या करना है, इस आपने जो विंड को, विंड का डायरेक्शन शो करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसे एक ओपन प्लेस, किसी खाली जगह पर ले जाकर रख देंगे, और देखेंगे कि क्या यह जो है हवा का दिशा, एयर का डायरेक्शन बता रहा है क्या. फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द एयर, इससे क्या करना है, आपको एयर का जो डायरेक्शन है, हवा की दिशा है, उसे फाइंड कर लेना है. तो इस पिक्चर में, जो पिक्चर आपको बुक में दिया है, इसमें एयर का डायरेक्शन है इन वेस्ट डायरेक्शन वी फाउंड द एयर. इस वेस्ट डायरेक्शन में हमें एयर फाउंड हो रहा है. रिकॉर्ड ऑफ वेदर, वेदर मीन्स होता है मौसम, मौसम का जो रिकॉर्ड है उसे
फाइंड करना है. डज द वेदर रिमेन द सेम डेली, क्या रोज जो मौसम है वो एक जैसा होता है? नो, नहीं. ऑन सम डे इट इज़ क्लाउडी, सम डे इट इज़ स्ट्रोमी, कुछ दिन क्या होता है कि काले काले बादल छाए हुए होते हैं, तो कुछ दिन क्या होता है बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती रहती है, जैसे कि आंधी तूफान आता है उस. लेट्स रिकॉर्ड अ वीक वेदर इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है, वन वीक का जो वेदर है उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है. मेक अ वेदर इंफॉर्मेशन चार्ट एज सोन इन द नेक्स्ट पिक, आपको वेदर का इंफॉर्मेशन जो मौसम की जानकारी है उसका चार्ट जैसे कि नेक्स्ट पेज में आपको सोन दिखाया गया है वैसे ही बना लेना है. फिल इन द टेबल विथ यू सी डेली, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक क्लाउड, व्हाइट क्लाउड्स, रेन, स्ट्रोम, सन, ह्यूमिडिटी, हीट, कोल्ड, एक्सेट्रा. तो आपको टेबल को जैसे कि डेली का जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग आप फील करेंगे. एग्जाम्पल भी दिया है आपको, जैसे किसी दिन काले बादल हैं, किसी दिन बादल साफ है, किसी दिन बारिश हो रही है, किसी दिन आंधी है, किसी दिन सूर्य जो निकला है, किसी दिन ह्यूमिडिटी मीन्स होता है उमस है, और किसी दिन गर्मी है तो किसी दिन ठंडी. इस बेसिस पे आपने जो टेबल बनाया उसे फील कर लेंगे. तो देखिए टेबल आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे, यहाँ मंथ मेंशन कर देंगे और ईयर भी मेंशन कर देंगे. फर्स्ट कॉलम में आपका रहेगा डे, सेकंड कॉलम में रहेगा क्लाउड्स, ब्लैक है कि वाइट है, थर्ड में आएगा रेन, यस आर नो, बारिश हो रही है कि बारिश नहीं हो रही, एयर हवा, ज़्यादा हवा बह रही है या कम हवा बह रही है, सन सूर्य जो गर्म है या ठंडा है, दैट मीन्स सूर्य निकला है, सनराइज हुआ है या नहीं हुआ है, हॉट है कि कोल्ड है, डे जो है हॉट है या कोल्ड है. ओके, तो यहाँ पे आप डे मेंशन कर देंगे मंडे टू संडे. फर्स्ट डे सपोज ना मंडे को है ब्लैक, जो क्लाउड है ब्लैक है, बारिश रेन जो है हो रही है, यस, एयर मोर आर लेस, एयर इज लेस, सन हॉट आर माइल्ड माइल्ड, हॉट आर कोल्ड कोल्ड. सेकेंड डे ट्यूजडे क्लाउड्स ब्लैक, रेन यस, एयर लेस, सन माइल्ड एंड हॉट आर कोल्ड कोल्ड. वेडनेसडे क्लाउड बादल है, रेन नो, एयर लेस, सन माइल्ड एंड कोल्ड. थर्सडे वाइट, रेन नो, एयर लेस, सन हॉट, डे हॉट. फ्राइडे वाइट, रेन नो, एयर मोर एंड सन माइल्ड एंड हॉट आर कोल्ड हॉट. सैटरडे सपोज वाइट नो लेस हॉट. ऐसे ही आपकी पूरे टेबल मंडे टू संडे करके एक वन वीक का वेदर का रिकॉर्ड शो कर सकते हैं. व्हेन दिस चार्ट इज कंप्लीटेड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ योर क्लासरूम, अगर आपका ये चार्ट जो है कंप्लीट हो गया तो इसे क्या करना है अपने क्लासरूम में हैंग कर देंगे. द वेदर एंड द रिलेटेड एक्शन हैव बीन गिवन बिलो, विच वेदर रिलेट्स टू विच एक्शंस, मैच देम, अ पेयर हैज़ बीन मेड एज एन एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको मौसम दिया गया है और मौसम से रिलेटेड जो काम होते हैं वो नीचे दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है जो मौसम दिया गया वेदर दिया गया है उनसे रिलेटेड वर्क से मैच करना है. तो फर्स्ट है रेन, सेकेंड विंटर एंड थर्ड समर, बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम और गर्मी का मौसम. तो रेनी सीजन में क्या क्या होता है, मडी, तो आप मडी में मैच कर देंगे. और क्या होता है, सोइंग ऑफ पैडी, यूजिंग अम्ब्रेला, फॉर्मिंग ऑफ रैम्बो एंड क्विक स्पॉइलिंग ऑफ फूड. ओके, तो ये रेनी सीजन में होता है. विंटर सीजन में क्या क्या होता है, एंजॉयड माइल्ड सन, वेयरिंग सॉल स्वेटर, सॉल स्वेटर एंड क्लियर हॉट सन, तो हॉट एयर ब्लोइंग ऑफ. ओके, ये होगा विंटर सीजन. तो समर सीजन में हो जाएगा फीलिंग वेरी ट्रस्टी, ईटिंग आइसक्रीम कुल्फी, ईटिंग वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्लियर स्काई, हॉट सन एंड ब्लोइंग ऑफ हॉट एयर. तो ये वेदर के अकॉर्डिंग उसमें जो भी एक्शंस होते हैं इसमें आप मैच कर लेंगे. दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 13.
completed. Question answer part will send next video.